एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा राजधानी पटना के समीप धरना प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि हाल ही में एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन अब मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एग्री है, सेम सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी कम मार्क्स वाले को मेरिट में ला दिया जाता है, जबकि ज़्यादा मार्क्स ऑप्टेन करने वाले को उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि मैं बताता हूँ कि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, तो ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। हाँ, और जबकि जब शुरुआती में जो आया था कि 24,599 का रिजल्ट आया है, उनकी नौकरी पक्की होगी, उसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी सारे सपने पूरे कर लिए थे। यहाँ तक कि बहुत सारे अब तो मुझे, या हम हो या फिर हमारे जितने भी स्टेट अभ्यर्थी पास हैं क्वालिफाइड थे, अब उन्हें तो लग रहा है कि शर्म के बारे में मैं क्या करूं। अब एक ही लास्ट विकल्प बचता है, आत्मदाह करेंगे, लास्ट में यही विकल्प बचता है सुसाइड करने के सिवाय। अब हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं है। 1,78,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, उसमें से रिजल्ट आया सिर्फ 24,599 का, वैकेंसी था 37,000 का। तो फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में कैसे नहीं है, जबकि आज मेरिट लिस्ट जो आया है, डिक्लेयर किया गया 24,598, तो फिर हम लोग कहाँ गए? और जब शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि जो भी क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी दिया जाएगा, तो हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, चाहे जैसे हो जहाँ से हो उनको नौकरी देना पड़ेगा। हम लोग क्वालिफाई किए हैं, हम लोग अपने मेरिट के अकॉर्डिंग नौकरी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग क्वालिफाई किए हैं तो उनको नौकरी देना पड़ेगा, सभी को, जितने भी बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं सभी को नौकरी देना पड़ेगा। मेरा नाम अंशु प्रिया है। सर, कौन सा न्यूज़ है आप? जल्दी से, सर टाइम नहीं है। सर, सर हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस दिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 24,599 एग्जैक्टली लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। उस दिन उन्होंने मेधा सूची जैसी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जब 24,599 लड़के उत्तीर्ण हुए थे, आज आपने जो मेरिट लिस्ट बनाया है उसमें 24,598 लड़के क्वालिफाई हैं, तो फिर इतने हजारों लड़के इस लिस्ट से बाहर कैसे आ गए? कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या? सर, हमारे यहाँ हजारों से ज्यादा लड़के हैं जिनका नॉट इन मेरिट लिस्ट है। अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं, सारे ट्रेन और बसों से आ रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना का समय है, अभी आने में असुविधा है, बसों की संख्या और ट्रेनों की संख्या कम है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, इसलिए अभी पहुंचने में थोड़ा विलंब है। 11 बजे तक यहाँ 700-800 से ज्यादा लड़के इकट्ठा होंगे, और शिक्षा मंत्री को अपने संवैधानिक पद और शब्दों की गरिमा का मान रखते हुए जितने भी लड़के क्वालिफाई हैं, हमें नहीं पता कि आपने बैकडोर एंट्री करवाया है, घोटाला किया है, पैसा लिया है, कैसे किया है, लेकिन हमारी मांग है कि अब जितने भी लड़के क्वालिफाई हैं, उसमें चाहे वो 75.1 पे क्वालिफाई हो, आप सबको ज्वाइन करवाएंगे। आपके पास 3.5 लाख से ज़्यादा की वैकेंसी है, और हमारे जो लड़के हैं 1,000, 2,000, 3,000 जो भी, उन सबकी नौकरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि जो गरीब लड़के हैं, जो आपके यहाँ पैसा नहीं पहुँचा सकते हैं, सर हम सरकार बनाने वाले हैं, हम पैसा नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नौकरियां नहीं होंगी। कुछ लोग बोल रहे हैं नौकरी बड़ी है छोटी है, सर उनसे मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती, नौकरी ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत हम सब की है। हम सब ने इस 2019 की वैकेंसी में पहली बार हमने एग्ज़ाम दिया, वो कैंसिल किया गया, फिर 2021 में 2020 में हमसे एग्ज़ाम लिया गया, दोबारा एग्ज़ाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, सब लोग दूर दराज से कोरोना के टाइम पे आके अपनी जान की परवाह किए बिना आके एग्ज़ाम दिया सबने। और उसके बाद जब 12 मार्च को रिजल्ट आया, 12 या 13 मार्च को, शिक्षा मंत्री ने पूरी वाहवाही लूटी कि हम 24,599 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। जब 24,599 ही क्वालिफाई थे, तो फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट कहाँ से आ गए?